Hi friends, welcome to Planet Vegetarian. Please subscribe to my channel. So today I'll be sharing diet bhel recipe. तो आइए इसके ingredients देखते हैं. तो यहाँ मैंने puffed rice लिया है, थोड़ी सी कटी मिर्ची, peanuts, lemon juice, धनिया कटा हुआ, और यहाँ पे क्यूकम्बर, प्याज, टमाटर. तो शुरू करने के लिए सबसे पहले मैंने ऑलमोस्ट 50 ग्राम्स विच इज़ 192 कैलोरीज ऑफ पफ्ड राइस लिया है, जिसमें मैंने पीनट्स ऐड करे हैं विच इज़ 15 ग्राम्स. टोटल कैलोरीज बनती हैं 85. इसमें मैं करीबन 1 स्पून ऑफ क्यूकम्बर, 1 स्पून ऑफ अनियन और 1 स्पून ऑफ टोमेटोज ऐड कर रही हूँ. मखाना ऐड किया है, यह है 5 ग्राम, करीबन 14 से 15 पीसेस. इसकी टोटल कैलोरीज होती हैं 17. और इसमें अब मैं सिलेंट्रो ऐड कर रही हूँ. टैमरिंड, क्योंकि टैमरिंड में कैलोरीज होती हैं इसलिए हमने टैमरिंड को हटा दिया है, और इसमें हमने लेमन जूस ऐड किया है. यहाँ हम कोशिश कर रहे हैं कि कम से कम कैलोरीज को यूज़ किया जाए, एज ये डाइट भेल की रेसिपी है. तो यहाँ हमने काला नमक, हल्का सा चाट मसाला डाला है, इसको एक अच्छा सा स्टेयर देंगे. यूजुअली भेलपुड़ी में हम हरी चटनी, लाल मीठी चटनी ऐड करते हैं और बहुत तरह की सेव ऐड करते हैं. तो हमने हरी चटनी को रिप्लेस कर दिया है लेमन जूस से, जिससे कि थोड़ा सा खट्टापन आए, और हरी मिर्च और काले नमक से थोड़ा सा चाट के जैसा टेस्ट आएगा. तो बहुत ही सिंपल रेसिपी है, बट इसमें टोटल कैलोरीज काफ़ी कम है. तो यहाँ हम इसे एक बोल में ले लेंगे. और जो मखाने थे वो ड्राई रोस्टेड थे, तो हमने बिल्कुल भी घी का यूज़ नहीं किया है. और यहाँ पे हमने पोमोग्रेनेट सीड्स लिए हैं, ये 15 ग्राम है और इसकी कैलोरीज अंडर 10 है. सो देखिए, ये बहुत ही सिंपल रेसिपी है और इसमें बहुत कम कैलोरीज हैं. आई होप आपको ये पसंद आई होगी. आई विल बी बैक विद सम मोर वीडियोज़. थैंक यू फॉर वॉचिंग. हिट लाइक. बाय बाय.